अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरह नहल में फरमाते हैं, मन अमिला सालिहन मिन ذكرٍ أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون। क्या फरमा रहे अल्लाह? अल्लाह फरमा रहे हैं, जो भी अमल साली करेगा, चाहे वो मर्द हो या औरत, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, चाहे वो मशरिक का हो मगरिब का हो जुनूब का हो शुमाल का हो, पूरी दुनिया में जो भी हो, मन अमिला सालिहा मन में पूरी दुनिया में, अब अल्लाह आगे फरमा रहे हो मुमिन, शर्त ईमान के, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ईमान की दौलत से हमको नवाजा है। अब अमल सालिह हो तो अल्लाह का वादा है, फलनुहियन्नहु हयातन तय्यिबा, दो वादे जरूर हम पाकीज़ा जिंदगी अता करेंगे। अल्लाह का इस जुमले में कितने जोर के साथ जमानत है, वादा है कि फलनुहियन्नहु, जरूर अलबत्ता जरूर भी जरूर हम उनकी जिंदगी को सवार देंगे। आज कौन परेशान नहीं है, महंगाई से परेशान, हर तरफ परेशानी ही परेशानी है, लेकिन अगर अमल पर आ जाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारी जिंदगियां पुरसुकून हो जाएंगी, हमारी जिंदगियां बेदाग हो जाएंगी, और दुनिया के झमेलों से निकलकर दिल बिल्कुल सुकून की हालत में रह जाएगा। और फुमानसल अलैक मिन बादिल गम अमनतन नुआस यक्षा का मंजर और मजहर हम बन सकते हैं, जबकि हमारे अंदर इस्तिकामत हो, अमल सालिह हो, और आज के एतबार से सबसे बड़ी दौलत है वो कनाअत है। आगे अल्लाह फरमाए वलनजियन्नहु अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, कि ये जो भी अमल करेंगे हम इससे बढ़ाकर जरूर भी जरूर इनको देंगे। अब बदअमली की एक मिसाल आप ये भी ले लीजिए कि हम अपने बच्चों को कड़ा पहनाते हैं। अब ये मुसलमानों का शेवा नहीं है, कहां से आया मालूम नहीं, शैतान ने तो वादा किया था, क्या करके कि मैं खल यानी जो अल्लाह ताला की फितरत है उस फितरत को बदल के रहूंगा, मर्द औरतों के चीजें और औरतें मर्द की चीजें इस्तेमाल जो करती हैं, ये शैतान के वादे के सपोर्ट और उसके काम को बढ़ा रहे हैं, हम उसके काज को बढ़ा रहे हैं। शैतान ने वादा किया था फितरत को बदल के रहे। बाजे बच्चे मकतब में आते हैं, अब सुनने की अंगूठी, मर्द बच्चा है क्या जरूरत, भाई हमारे लिए मर्दों के लिए पहनना नहीं है, और शराब ये दो चीजें इंशाअल्लाह जन्नत में हमारा इंतजार कर रही हैं, शराबन तरूरा शराब, वो ये दुनिया की कौन सी शराब है, कौन सा नशा है, सस्ता नशा, लेकिन जन्नत की शराब आपकी इंतजार कर रही है। लेकिन यहां जो मजमा ये जहन में बिठा ले कि अपने बच्चों को इस तरीके की चीजें ना पीना है, हाथ में जो कड़ा पहनते हैं ये मुशरिक और सिखों का तरीका है। मन तशब्बा बिकौमिन फअमिनहुम, जो जिसकी मुशाबत इख्तियार करेगा वो उसी में से रहेगा। हमारे मुसलमानों की बदअमली आप सोच सकते हैं कि जुमा की अजान हो गई, अब उलमा ने मसला लिखा है कि जुमा की पहली अजान हो गई तो अब खरीदो फरोख्त नहीं है, ना बेचना ना खरीदना मकरूह है, तहरीमी है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा فَسَعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ, خرید و فروخت کو چھوڑ دو, سعی کرو کوشش کرو, کس کی طرف, دوڑو مسجد کی طرف, اللہ کے منادی کی طرف۔ اب آپ معلوم ہے اس وقت اذان ہو رہی ہے, پھر بھی ہماری دکانیں جو کھلی رہتی ہیں یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اب یہ بدعملی ہے یا نہیں ہے؟ کتنے اذان کی ٹائمنگ سے پہلے دکان بند کر رہے ہیں, وہ بھی جمعہ کی اذان کے, اللہ کے منادی کی آواز ہمارے کانوں میں پڑ گئی, ہم دکان بند نہیں کر رہے ہیں۔ کیا یہ نمازیں یہ عمل جو ہمارے دن بھر کے ہیں یہ جنت میں لے جانے کے قابل ہے؟ بستر سے لے کر
मस्जिद तक हमारी नमाजें हमारा अमल हमको नहीं ले जा रहा है तो क्या हमको जन्नत में लेकर जाएंगे? तो इसलिए डरते रहना चाहिए, अल्लाह ताला से अमल की मजबूती मांगते रहना चाहिए। हमारे हालात उसी वक्त सुधर सकते हैं जब दिलों में अमल की मजबूती रहेगी, ईमान मजबूत रहेगा, इस्तिकामत रहेगी। एक मिसाल के जरिए से आपको समझाऊं कि एक शेर हो और वो भी तस्वीर हो, एक चूहा है उस तस्वीर को कतर रहा है। अब आप बोलिए क्या वो चूहा उस तस्वीर वाले शेर से डर जाएगा? नहीं डरेगा, बल्कि वो चंद ही लम्हों में पूरी तस्वीर को कतर कतर के खत्म कर देगा। वही अगर सच में शेर हो, चूहे को दुम हलाने की भी ताकत नहीं रहेगी, करीब आने की भी ताकत नहीं रहेगी। सेम इसी तरीके से आज मुसलमानों के आमाल इतने रेशो इतना गिर गया है कि हमारा ईमान भी तस्वीर की तरह, बाकी वो चूहे से भी गया गुजरा है, लेकिन फिर भी आज मुसलमानों को ये आन दिखा रहा है, अपना रोह छाड़ रहा है। सिर्फ इसकी वजह यही है कि हमारा ईमान भी एक प्रिंट की तरह, एक तस्वीर की तरह हो गया है, बातिल चूहे की तरह हमको कतर रहा है। अगर हकीकत वाला शेर हो, यहां मजमा कोसा भी नहीं बैठेंगे, हजरत भी पहले चेयर से उठकर भागेंगे बाहर कि मेरी भी जान बच जाए और आप खुद अपनी अपनी जान बचाने की फिक्र में लग जाए। सबको अपनी अपनी पड़ी होगी कि किस तरीके से मेरी जान बच जाए। अब आप बोलिए शेर जंगल का राजा है या नहीं है, या कोई और दूसरा जानवर बन गया है? जब शेर जंगल का राजा है लेकिन फिर भी उसकी तस्वीर है, तस्वीर से चूहा नहीं डर रहा है। आज बातिल चूहे से भी गया गुजरा है और ता कियामे कियामत बातिल की कोई हैसियत नहीं है। कुल जा अल हक व ज़हब अल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका। अल्लाह ताला ने फरमाया जब हक आता है तो बातिल किस रास्ते से निकल जाता है आपको मालूम भी नहीं होगा। बातिल के अंदर जान नहीं है, ताकत नहीं है, लेकिन आज हमारी बदअमली का नतीजा है कि बातिल को इतनी ताकत मिल गई है। Allah